सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुजीत। और आज मैं फिर से टिकटॉक पर काफ़ी तेज वायरल होने वाला मिक्सिंग वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर के आया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऐसे मिक्सिंग वीडियो का ट्यूटोरियल, ठीक है। और ये जो वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी तेज वायरल हुआ है, और ये जो सॉन्ग है अभी ट्रेंड में, तो अगर अभी इस साउंड पर कुछ इस प्रकार से मिक्सिंग वीडियो बना करके टिकटॉक पर अपलोड करते तो काफ़ी चांसेस रहता है वीडियो को वायरल होने में, और ऐसे वीडियो मिक्सिंग वीडियो वायरल होता ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको वीडियो को शूट कर लेना छोटे छोटे क्लिप में, जो कि आप साइड में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। आप छोटे छोटे क्लिप में आप कुछ अलग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप शूट नहीं कर पाते, आप चाहते तो आप फोटो भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस है, ठीक है। आप चाहे तो फोटो लगाइए या फिर अपना वीडियो क्लिप लगाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में काइनमास्टर होना जरूरी है। अगर आपके स्मार्टफोन में काइनमास्टर नहीं है तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, इससे वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा काइनमास्टर प्रोमो, ठीक है। तो चलिए चलते अपना मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले आप हमें चैनल पर, तो चैनल को ले सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। तो चलिए चलते अपना मोबाइल के स्क्रीन पर। सो सिंपली का जाकर अपना मोबाइल के स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से काइनमास्टर को ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद ये जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 9 और 16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से जो मीडियल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से मीडियल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ से गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से अपने तो ऐसे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिए, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, इसका साइज कुछ इस प्रकार से 12 कर देंगे। और फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। और फिर यहाँ से जो लेयर वाला ऑप्शन जो दिखाया, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेंगे। और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको देखने के फुल स्क्रीन में नहीं है, तो सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन में करेंगे। तो ये जो स्क्रीन वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फुल स्क्रीन पर क्लिक करके ऑटोमेटिक इसको फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देंगे। डाउन पर क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके इन पॉइंट पर आ जाएंगे और जो भी हमारा बैकग्राउंड एक्स्ट्रा है इसको कॉटिंग कर देंगे। तो यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, फिर यहाँ से कैंची वाला आइकन दिखाई दे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से ट्रिम टू राइट अप लेफ्ट पे क्लिक करके इधर राइट साइड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कॉटिंग कर देंगे। और फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। डाउन पे क्लिक कर दिया, क्लिक करना, फिर से इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे और जहाँ से हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो स्टार्ट होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर क्लिक करेंगे। ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर क्लिक करें, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे, क्योंकि हमको ग्रीन कलर को हाइड करना है, ठीक है। यहाँ से अपना वीडियो लगाना है, ठीक है। यहाँ से क्रोमा की को इनेबल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने में यहाँ से की कलर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑटोमेटिक ग्रीन कलर सेलेक्ट है यहाँ से। और फिर यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, क्लिक करने बाद यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल कर दिए, इसको जो 28% दिखाई दे इसको लगभग आप 40% तक कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देंगे। डाउन पे क्लिक कर दे, क्लिक करना, यहाँ से हमारा जो वीडियो फर्स्ट क्लिप है उसको यहाँ पर ऐड करना होगा, यहाँ पर लाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेंगे। और यहाँ से जो भी फर्स्ट क्लिप का आप वीडियो शूट किए होंगे उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से जब हम अपने फर्स्ट क्लिप का वीडियो को शूट कर लिए हैं, इसको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं कि हम किस प्रकार से अपने फर्स्ट वीडियो को सेलेक्ट शूट किए हैं। आपको एक बार प्ले करके दिखा दे, कुछ इस प्रकार से अपने वीडियो को शूट कर लिया। शूट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, अपने वीडियो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में करेंगे, तो अपने वीडियो वाला जो लेयर दिखाई दे इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन जो दिखाई दे इस पर क्लिक करके आप यहाँ से चाहे तो फुल स्क्रीन पर क्लिक करके आप इसको सेट कर लीजिए। और यहाँ से अगर आपका वीडियो सेट नहीं हो पाता है, एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ से देख लिए आप ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ कर लेने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके आप कुछ इस प्रकार से 12 कर देंगे। आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं, जितना जूम करना चाहते हैं, आप इसको जूम करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। तो कुछ इस प्रकार से हम जूम कर लिए और फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। डाउन पे क्लिक कर दे, क्लिक करना, फिर से अपने वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद इसको ये जो 3 डॉट लाइन दिखाई दे, 3 डॉट लाइन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से इसको सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे, ताकि हमारा जो वीडियो वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे चला जाए, कुछ इस प्रकार से चला गया। फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। डाउन पे क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद आपको एक बार प्ले करके दिखा दें कि मैच कर रहा है कि नहीं, आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो हमारा वीडियो मैच नहीं कर रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा सा कॉटिंग कर लेते हैं यहाँ से। इस पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ इसको घसका देंगे, तो थोड़ा सा हमारा वीडियो जो है कॉटिंग हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, फिर इस पर प्रेस करके रखेंगे अपने वीडियो पर, अपने वीडियो पर
प्रेस करके रखेंगे और इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर कुछ इस प्रकार से ला देंगे। प्रेस करके रखें, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर घसका देंगे कुछ इस प्रकार से, और ये जो हमारा वीडियो बन के तैयार होगा फर्स्ट क्लिप का, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो फर्स्ट क्लिप का हो गया। और फिर यहाँ से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कहाँ हमारा आते हैं, वहाँ पर हम अपना सेकेंड पार्ट को वीडियो को एड करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आ रहा है हमारा सेकेंड पार्ट का, ठीक है, तो जहाँ से ग्रीन स्क्रीन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो भी हम अपना सेकेंड पार्ट का वीडियो क्लिप शूट किए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो लेयर ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेंगे, और यहाँ से सेकेंड पार्ट का, और यहाँ से सेकेंड पार्ट का वीडियो जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए हम देख लीजिए उस सेकेंड पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से सेकेंड पार्ट का जो वीडियो उसको भी सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप अपने हिसाब से जूम कर लिए, जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर लिए कुछ इस प्रकार से। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट करने के बाद इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। फिर यहाँ से थ्री डॉट लाइन जो दिखाई दे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ से सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन पीछे जो हमारा वीडियो को भेज देंगे। और फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे, डाउन पे क्लिक कर दे, क्लिक करने मतलब यहाँ से भी एक बार प्ले करके दिखा दे कुछ किस प्रकार से बने, कुछ इस प्रकार से हमारा जो वीडियो बन के तैयार हो गया देख सकते होंगे, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले आपको क्या कर लेना, जो भी अपना वीडियो को शूट किया है सबसे पहले उसका साउंड को ऑफ कर लेना होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से साउंड वाला ऑप्शन जो दिखा दे इस पर क्लिक करके आप इसको ऑफ कर लिए, ताकि रिकॉर्ड करते समय जो भी एक्स्ट्रा साउंड आ जाता है वो ना सुनाई दे, ठीक है। यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे, फिर से फर्स्ट क्लिप का भी वैसे ही साउंड ऑफ कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इस पर क्लिक करेंगे, साउंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से म्यूट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको म्यूट कर दीजिए, फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया, इस वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एच डी 720 पर क्लिक करके इसका साइज कुछ इस प्रकार से फुल कर लीजिएगा। फिर से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।